तो गाइज कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर कि आप लोग जो है बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइज आज के इस वीडियो के अंदर जो है मैं आप लोगों को ये जो जनरेट प्रेस जो ब्लॉगिंग के लिए बहुत अच्छी थीम जो है अवेलेबल है इसको किस तरह से कस्टमाइज करते हैं पूरा स्टेप बाय स्टेप जो है आपको लाइव दिखाने वाला हूं। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और वहीं चल के देखते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा अगर आप इसका भी इस्तेमाल करना चाहते हैं और एक जो है वर्ड प्रेस के ऊपर बहुत अच्छा ब्लॉगिंग जो है वो बनाना चाहते हैं, ब्लॉग का पूरा वेबसाइट रेडी करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मंजीत डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। सो गाइस हम आगे कंप्यूटर स्क्रीन पे और एज यू कैन सी अभी हमारा जो ये पूरा जो थीम है वो कुछ इस तरह की दिखाई दे रही है। मैंने रिफ्रेश करके दिखाया, अब इसको कस्टमाइज करते हैं। तो कस्टमाइज करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे लॉगिन करना है अपने वर्डप्रेस के बैक पैनल पे और यहाँ पे अपीयरेंस में जाके यहाँ पे कस्टमाइज पे क्लिक करना है। तो जैसे हम कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो है पूरी वेबसाइट को कस्टमाइज करने का जो है सारी चीजें हमारे पास ऑप्शन आ जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन आता है आपका साइट आइडेंटिटी के। तो साइट आइडेंटिटी यहाँ पे जो टाइटल दिख रहा है ये जो आपकी कोई यहाँ पे आप जो है पंच लाइन वगैरह आप यूज करना चाहते हैं आप इसको अगर दिखाना चाहते हैं आप देख सकते हैं। अदरवाइज आप इसको क्या कर सकते हो, हाइड कर सकते हो। अगर आपको ये नहीं दिखाना है, इसकी जगह पे लोगों का इस्तेमाल करना है तो आप यहां से पूरा इसको हाइड कर सकते हो। देख सकते हो यहाँ पे पूरा हाइड हो चुका है। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, लोगो सेलेक्ट करूंगा। तो लोगो सेलेक्ट करने के लिए मैं यहां से क्लिक करता हूं और अपना जो लोगो की लोकेशन है जहां पे उसको यहां से मैं पिकअप कर लेता हूं। तो मेरे पास जो लोगो है वो एक लोकेशन पे पड़ा है, लेट मी ओपन दैट। सो यहां से जो है मैं अपना लोगो सेलेक्ट कर लेता हूं। तो यहां से जो है मैं ओपन कर लेता हूं अपनी लोकेशन और लोकेशन में जो है यहां पर मेरे पास लोगो पड़े हैं। तो ये लोगो आपका पीएनजी लोगो होना चाहिए, राइट। जैसे कि ये मेरा पीएनजी लोगो है तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूं यहां से। यहां से सेलेक्ट करने के बाद जो है मैं ये मेरा लोगो यहां पे अपलोड हो चुका है। तो यहां पे अल्टरनेटिव में जो है आपको हमेशा याद रखना है क्योंकि साथ साथ में एसईओ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्ट टेक्स आपको डालना है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं निरंकारी इन्फोटेक ब्लॉग, ठीक है, और इसको कर देता हूं लोगो। तो ये मेरा अल्ट टेक्स हो गया। अब मुझे यहां पे इसको सेलेक्ट करना है। तो आप देखते हैं यहां पे सिलेक्शन के अंदर जो है पूरा इस तरह से आ चुका है। अगर आपको इसको क्रॉप नहीं करना है तो आप इसको स्किप क्रॉपिंग कर सकते हो तो पूरा यूज हो जाएगा, बट ये आपका जो है क्रॉपिंग के अंदर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। इसको कम ज्यादा करना तो आप इसके हिसाब से ऊपर नीचे जो है कर सकते हैं जैसा भी आपको फिट लगे। उसके बाद इसको जो है मैं क्रॉप इमेज पे क्लिक कर देता हूं। तो जैसे मैंने यहां पे क्रॉप पे करा तो आप देखते हैं ये लोगो जो है ये बहुत बड़ा साइज में आ रहा है अभी। तो यहां पे मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके कम करना चाहता हूं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये देख सकते हैं लोगो विड्थ लिखा हुआ है। अगर मैं यहां से इसको ड्रैग करना स्टार्ट करता हूं तो देखो लोगो जो है बिल्कुल छोटा हो गया। तो यहां पर मैं डायरेक्टली भी नंबर लिख सकता हूं, जैसे कि 250 कर दिया मैंने, राइट। 250 थोड़ा सा बड़ा लग रहा है तो मैं 200 कर देता हूं। तो मुझे लगता है कि ये 200 वाला जो लोगो है वो पिक्सल का ये बिल्कुल परफेक्ट यहां पे दिख रहा है। तो मैं इसी को यहां पर ऐसे ही छोड़ देता हूं। अब इसके बाद जो है यहां पे आप देख सकते हैं ये आपका जैसे यहां पे ये वर्डप्रेस का जो है बीच में लोगो आ रहा है यहां पे। तो यहां पे इसको बोलते हैं हम फेविकॉन। तो फेविकॉन हमें चेंज करना है तो मैं यहां पे जाता हूं नीचे, यहां पे लिखा हुआ सेलेक्ट साइट आइकन। तो ये आइकन है हमारा, तो यहां पे इसको जो है अपलोड करता हूं वापस मैं अपनी लोकेशन से। तो यहां पे आपको जो है एक स्क्वायर के अंदर जो है फेविकॉन होना चाहिए आपके पास, जैसे कि मेरे पास ये पड़ा हुआ है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूं और यहां पे ओपन करने के बाद इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इसको थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना है तो आपको कम ज्यादा करना है तो आप इसको अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर नहीं करना है तो आप इसको एज इट इज भी यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये हम जो है इसको अपने अकॉर्डिंग अभी बिल्कुल पूरा फिट है यहाँ पे, तो इसी हिसाब से हम जो इसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं सीधा क्रॉप इमेज पे क्लिक कर देता हूं। तो जैसे यहाँ पे करा तो आप देखते हैं यहां पर जो है ये हमारे पास यहाँ पे अभी जो वर्डप्रेस का लोगो आइकन आ रहा था अभी यहाँ पे मेरा खुद का लोगो जो है दिखने लग गया है। सो अब अगर मैं यहाँ पे फ्रंट एंड पे रिफ्रेश करता हूं तो देखो अभी यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुए। क्यों नहीं हुए, क्योंकि जो मैंने यहाँ पे कस्टमाइजेशन करा उसको मैंने सेव नहीं करा। तो यहाँ पे मैं पब्लिश पे क्लिक करता हूं, जैसे यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक हो गया ये पब्लिश्ड हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूं तो आप देखते हैं यहाँ पे मेरा आइकन भी आ चुका है, मेरा लोगो भी जो है यहाँ पे सेट हो चुका है। तो ये पहली चीज हमने लोगो सेट कर दी है। अब जो है और हमें यहाँ पे क्या चेंजेस करने, यहाँ पे और कुछ भी चेंजेस करने के लिए नहीं है। तो हम वापस चलते हैं यहां से और यहां पे जाके अब चलते हैं लेआउट के ऊपर। लेआउट पे
आपका कंटेनर, इसको हम बाद में कवर अप करते हैं। हेडर के अंदर अगर देखें तो यहां पे हेडर प्रेजेंट जो है वो करंट है आपका, राइट। डिफॉल्ट आप यहां पे जो भी चेंजेस करोगे आपको कैसा चाहिए देख सकते हैं, ये आपका ऊपर चला गया और यहां पे नीचे आ गया। ये जो हेडर सेक्शन है तो इसमें आप हेडर सेक्शन अपने अकॉर्डिंग जो है राइट में चाहिए या लेफ्ट में चाहिए तो अपने अकॉर्डिंग आप इसको सेट कर सकते हो। जो बाय डिफॉल्ट है वो आपका करंटली इस तरह का रहता है, बट मैं यहां पे चाहता हूं कि मेरा जो ये जो नेविगेशन है वो यहां पर राइट साइड पे आए, तो मैंने इसको राइट साइड पे कर दिया। अब यहां पे जो इनर हेडर विड्थ है वो आपकी क्या रहनी चाहिए, फुल रहनी चाहिए या कैसी रहनी चाहिए, तो आप यहां पे डिफाइन कर सकते हो। और इसके बाद कंटेंट में रहने देता हूं, यहां पे हेडर की अलाइनमेंट आपको सेंटर रखनी है, राइट रखनी है या फिर आपको लेफ्ट रखनी है, जैसा आप चाहें वैसा लोगों का यहां पे सेट कर सकते हैं। अब यहां पे हेडर की पैडिंग, पैडिंग बोला जाता है बेसिकली इसके आसपास ये जो स्पेस दिख रहा है, तो अभी अगर मैं यहां पे देखूं तो आप देखते हैं यहां पे बहुत सारा ऊपर भी स्पेस दिख रहा है, नीचे भी दिख रहा है। तो पहले मैं क्या करता हूं इसको पब्लिश कर लेता हूं ताकि मुझे अभी एट प्रेजेंट क्या सिचुएशन है वो हमें यहां पे देखने को मिले। तो ये कुछ अभी इस तरह की वेबसाइट दिख रही है, तो यहां पे स्पेस काफी ज्यादा, मैं इसको थोड़ा कम करना चाहता हूं। तो कम करने के लिए आपको क्या करना है, यहां पे देख सकते हैं, यहां पे जैसे जैसे मैं इसको कम कर रहा हूं तो आप देखते हैं यहां पे लोगो जो है वो ऊपर शिफ्ट होते जा रहा है। तो से फॉर एग्जांपल मुझे यहां पे 20 इतना ही स्पेस काफी है, और ऐसा ही मैं यहां पर जो है जो बॉटम साइड है, ये जो नीचे साइड पे है, ये जो जगह है यहां पर भी मैं क्या करता हूं यहां पे कम कर देता हूं स्पेस, और इसको स्पेस को कम करके 20 पे सेट कर देता हूं और अब इसको पब्लिश करता हूं। तो अभी यहां पे देख सकते हैं यहां पे इतना ज्यादा स्पेस था, अब जो है यहां पर मैं रिफ्रेश करता हूं तो ये देख सकते हैं ये स्पेस जो है आपका कम हो चुका है। तो ये आप इसमें से आराम से अब पैडिंग वगैरह जो है लेफ्ट साइड पे अपने लोगों आपको इस तरफ में शिफ्ट करना है, इधर करना है, तो आप जो है अपने अकॉर्डिंग पैडिंग जो है कम ज्यादा यहां से कर सकते हैं। अब यहां पे मोबाइल का हेडर आपको ऑन करना है कि ऑफ करना है, मोबाइल हेडर जैसे ही आप यहां पे ऑन या ऑफ करते हैं तो बेसिकली यहां पे आप देख सकते हैं यहां पे आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है। तो अब अगर मैं मोबाइल हेडर ऑन किया तो यहां पे देख सकते हो ये कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है, अगर मैं ऑफ करता हूं तो ऑफ करने में मेरे को यहां पे लोगो भी दिखाई दे रहा है। तो लोगो में यहां पे लोगो आपको दिखाना है तो आप दिखा सकते हैं, नहीं दिखाना है मोबाइल के अंदर कोई वेबसाइट ओपन करे तो हम सिर्फ मेन्यू चाहते हैं तो हम अपने अकॉर्डिंग मेन्यू को ऑफ ऑन कर देंगे, तो सिर्फ मेन्यू रहेगा, आपका लोगो जो है वो यहां से हट जाएगा। तो जैसा आप चाहते हैं वैसा आप इसको जो है सेट कर सकते हैं, और ये करने के बाद इसको जो है हम इसको पब्लिश कर देते हैं। ये हमने सेटिंग कर दी एक तो नेविगेशन की, और इसके बाद जो है ऊपर स्क्रॉल डाउन करके वापस से चलते हैं। अब हम यहाँ पे प्राइमरी नेविगेशन की बात करते हैं। अब प्राइमरी नेविगेशन जो है वो हमारा ये प्राइमरी नेविगेशन होता है, राइट। अब इसको हमें क्या चाहिए, फुल चाहिए, कंटेन्ड चाहिए, तो मैं यहाँ पे फुल ही रहने देता हूं। यहाँ पे इनर नेविगेशन कंटेन ही रहने देते हैं, इसका अलाइनमेंट लेफ्ट चाहिए, सेंटर चाहिए या राइट चाहिए, तो ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे इसको जो फ्लोट जो है वो आपको राइट करना है, लेफ्ट करना है, या अबव हेडर करना है या बिलो हेडर करना है, तो जैसा आप चाहते हैं वैसा आप इसको अपने, या फिर नो नेविगेशन चाहिए आपको, नेविगेशन हटाई देना है, तो आप जो है अपने अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे सारी चीजों को सेट कर सकते हैं। तो से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं जो है फ्लोट राइट करके इसको छोड़ देता हूँ जहां पे उसका एग्जैक्टली अभी ऑप्शन अवेलेबल थे। अब यहाँ पे और चलते हैं नीचे, नेविगेशन ड्रॉप पॉइंट जो है, इसका ड्रॉप पॉइंट अभी है नहीं, अभी बाद में हम देखेंगे। तो अब इसके बाद जो है नेविगेशन के ऊपर अगर होवर लिखा हो, होवर मतलब होता है ये जब हम इसके ऊपर कर्सर लेके जाते हैं तो इसको होवर करते हैं, तो होवर के ऊपर जो है जैसे इसके ऊपर लेके जाएं अगर कोई ड्रॉप डाउन बना हुआ है तो वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, राइट। ड्रॉप डाउन जो है डायरेक्ट राइट पे होना चाहिए, लेफ्ट पे होना चाहिए, यहां पे आप देख सकते हो डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे नेविगेशन सर्च जो है वो अभी डिसेबल है, यानी कि कोई सर्च ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, हम इसको एनेबल कर देते हैं। तो जैसे एनेबल करते हैं तो आप देखते हैं यहाँ पे एक आइकन आपका सर्च का आ गया, तो ये भी हमें यहाँ पे चाहिए है कि हम सर्च करना चाहते हैं, तो ये हमने यहाँ पे एनेबल कर दिया है। अब मेन्यू की विड्थ आपकी कितनी होनी चाहिए और इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, देखो अभी हाइट जो है यहाँ पे 60 पिक्सल है, तो मैं इसको अगर कम करता हूं तो देखो यहाँ पे कम होते चली जा रही है, राइट। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग जो है इसको सेट कर सकते हो ताकि हमारा जो बिल्कुल परफेक्ट, अभी मुझे 40 यहाँ पे पसंद आ रहा है तो मैं 40 रख लेता हूँ यहाँ पे, राइट, क्योंकि ज्यादा स्पेस ऊपर यूज करना कोई ज्यादा अच्छी चीज नहीं है। तो ये हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, अब इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ।
अब एक बार वापस वेबसाइट जो है रिफ्रेश करते हैं तो देख सकते हैं वेबसाइट हमारी कुछ इस तरह से अभी दिखने लग गई है। वापस यहाँ पे ऊपर चलते हैं और यहाँ पे जो है कस्टमाइजेशन पे चलते हैं, फिर सेकेंडरी और स्टिकी नेविगेशन। अब यहाँ पे आप देखो, मैं यहाँ पे अगर स्क्रोल डाउन करता हूं तो ये मेन्यू बार जो है वो हमारा हाइड हो रहा है। अगर हम चाहते हैं कि हाइड ना हो तो हम क्या यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्टिकी नेविगेशन पे क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पे इसको आप सिर्फ डेस्कटॉप पे करना चाहते हो स्टिकी, या मोबाइल ऑनली पे करना चाहते हो, या ऑन कर दोगे तो ये दोनों पे एप्लीकेबल हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे इसका ट्रांजिशन है आपको कैसा होना चाहिए। अगर स्टिकी कोई आपका यहाँ पे बैकग्राउंड कलर आप कोई डिफरेंट करते हो तो इन दैट केस आपका लोगो का कोई और लोगो यहाँ पे आना चाहिए तो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। मैं अभी इसको ऐसे ही पब्लिश करता हूँ और यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करते हैं, और रिफ्रेश करके यहाँ पे हम स्क्रोल डाउन करेंगे तो अभी तो क्या ज्यादा पूरा पेज नीचे नहीं जा रहा, तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये देखेंगे कि ये आपका जो ऑटोमेटिकली काम करना स्टार्ट कर देगा। तो ये हो गया, हमने यहाँ पे कर लिया। अब इसके बाद जो है वापस चलते हैं यहाँ पे, ये साइड बार वगैरह ये फुटर्स वगैरह को जो है बाद में देखते हैं। तो फुटर्स में एक बार चल के यहाँ पर कॉपीराइट का, अभी आपका कॉपीराइट क्या आ रहा है, पावर्ड बाय जनरेट प्रेस आ रहा है, बट मैं नहीं चाहता कि ये कॉपीराइट जो है ये वाला आए, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे खुद का कॉपीराइट वगैरह लगाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ से फॉर एग्जाम्पल डिजाइन एंड डेवलप बाय निरंकारी इन्फोटेक, राइट। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये मेरा यहाँ पे खुद का जो है नीचे पूरा आगे आ चुका है यहाँ पे ब्रांडिंग, तो ये मैंने पब्लिश कर दिया। और अब अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करके नीचे साइड पे दिखाऊं, देख सकते हैं यहाँ डिजाइन एंड डेवलप एंड लिखना भूल गए, डिजाइन एंड लगा देते हैं बीच में, डिजाइन एंड डेवलपमेंट बाय निरंकारी इन्फोटेक ये कर दिया। अगर इसमें कोई आप लिंक वगैरह डालना चाहते हो, बट ये अभी लिंक डालने का कोई बेनिफिट नहीं क्योंकि यहाँ पे हम ऑलरेडी उसी वेबसाइट पे ही हैं जहाँ पे हमें जाना होना चाहिए था, ये हमने यहाँ पे कर दिया। अब इसको वापस से हम चलते हैं और इस लेआउट से बाहर आते हैं। इसी तरह से हम यहाँ पे कलर्स के साथ में चेंजेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो हेडर है तो प्राइमरी नेविगेशन पे चलते हैं। प्राइमरी नेविगेशन हमारा क्या है, ये वाला। अब इसमें जो है बैकग्राउंड कलर ऐसा होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि नहीं बैकग्राउंड कलर ऐसा नहीं मुझे येलो चाहिए तो आप यहां से येलो कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे यहाँ पे कोई भी कलर नहीं चाहिए तो आप इस कलर को जो है यहां से व्हाइट करना चाहते हो तो आप इसको व्हाइट भी कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल लाइट भी कर सकते हो, जैसा आपको कलर चाहिए। अगर मैं यहाँ पे पूरा व्हाइट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 बार एफ कर दूंगा तो देख सकते हैं यहाँ पे पूरा का पूरा ये व्हाइट हो गया। लेकिन उसके अकॉर्डिंग जो है हमें बाकी सब चीजों को भी, जितने बाकी टेक्स्ट का कलर, अभी क्योंकि व्हाइट कर दिया तो टेक्स्ट का कलर तो दिख नहीं रहा है, तो टेक्स्ट का कलर जो है वो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऑफ व्हाइट टाइप ले लेता हूँ, ये मैंने ले लिया यहाँ पे। अब इसको अगर पब्लिश करके देखें तो आप देख सकते हैं पहले कुछ इस तरह का दिख रहा था, अब अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो अब हमारे पास ये कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। तो ये भी एक तरीका है करने का। अब मुझे यहाँ पे जो कलर है वो, ये जैसे इसके ऊपर होवर करे तो ये जो बैकग्राउंड कलर है मुझे ये थोड़ा सा ब्लैकिश जो है वो पसंद नहीं है, तो व्हाट आई कैन डू इज होवर कलर यहाँ पे दिख रहा है राइट, तो होवर कलर में मैं कुछ डिफरेंट कलर लेना चाहता हूँ। तो डिफरेंट कलर में आप कैसा कलर लेना चाहते हैं तो वहां से जो है आप देखो, आसान तरीका बताता हूँ आप कहाँ से कर सकते हो। अगर आपको कोई चीज समझ में ना आए, गूगल पे जाओ, यहाँ पे लिखो RGB राइट, RGB कलर कोड्स, RGB कलर कोड्स देखोगे तो यहाँ पे आपको जो है पहले वाले यहाँ पे रैपिड टेबल करके आपको एक वेबसाइट मिल जाएगी, तो यहाँ पे आप देखते हो यहाँ पे सारे कलर आपको मिल जाएंगे कि आप किस तरह का कलर जो है इस्तेमाल करना चाहते हो, तो सारे कलर आपको यहाँ पर लिस्टेड है। तो जो कलर आप यहाँ से यूज करना चाहते हो, आप से फॉर एग्जाम्पल मैं ये लाइट ब्लू टाइप का करना चाहता हूँ तो मैं यहां से इसको कॉपी करूंगा कोड को, और कॉपी करके यहां पे जाकर अगर मैं इसको पेस्ट कर दूं तो देख सकते हैं यहां पे जो कलर है वो मेरा सेलेक्ट हो चुका है राइट। और अब अगर मैं इसके ऊपर लेके जाता हूं तो यहां पे देख सकते हो कि ये आपका जो है यहां पे बिल्कुल वही कलर यहां पे आ चुका जो मैंने यहां पर सेलेक्ट करा है। तो मुझे ये कलर चाहिए तो से फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे इसको जो है पब्लिश कर देना है, तो ये मैंने यहां पे अपडेट कर दिया। अब अगर मैं इस पे लेके जाता हूं तो देख सकते हैं यहाँ पे कलर जो है वो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट हो चुका है। अब इसके बाद जो है हम जो है इसका मेन्यू आइटम्स जो इसकी आएंगी उसके ऊपर भी कलर चेंज कर सकते हैं, और अगर आपका जो है सर्च नेविगेशन है ये वाला, इसके ऊपर भी आपको कुछ कलर चेंजेस वगैरह करने हैं तो वो भी आप यहां से चेंजेस वगैरह कर सकते हो। तो ये आपका पूरा कलर्स का हो गया। इसी तरह से आप बटन्स का कलर चेंज कर सकते हो,
कंटेंट का कर सकते हो, राइट। जो यहाँ पे फॉर्म्स आएंगे, फुटर आएगा, तो फुटर का आपका कलर कैसा होना चाहिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं बैकग्राउंड कलर अभी क्या है, व्हाइट है, लेकिन अभी हमारा यहाँ पे फुटर्स वगैरह अभी हमने एक्टिवेट नहीं करे, तो जब हम एक्टिवेट करेंगे तो मैं आपको साथ साथ में यहाँ पर बताते चलूंगा। बेसिकली ये मैं खुद का एक ब्लॉग पूरा यहाँ पे मेरे टेक्निकल का सेट कर रहा हूँ, तो साथ साथ में आप लोगों को भी दिखता चला जाएगा कि किस तरह से सारी चीजें जो है सेट करी जाती हैं। अभी कुछ पहले कुछ अजीब सा दिख रहा था, लेकिन अब हमारी खुद की ब्रांडिंग जो है यहाँ पर दिखने लग चुकी है। तो इसी तरह से यहां से आप सारी चीजों को जो है मेंटेन कर सकते हैं। तो ये आपको जाना है अपीयरेंस पे, कस्टमाइजेशन पे जाना है, और कस्टमाइजेशन पे जाके आपको जो है जो भी चेंजेस करने हैं, चाहे वो लेआउट हो, कलर हो, टाइपो हो, बैकग्राउंड इमेज हो, कोई आपको जनरल करना है, मेन्यूज चेंज करने हैं, विजेट्स करने हैं, होम पेज की सेटिंग करनी है, कुछ एडिशनल सीएसएस अगर आपको आती हैं वो आप इस्तेमाल करना चाहते हो, तो ये सारी की सारी चीजें जो है आप यहां से कस्टमाइज कर सकते हो, राइट। अब जो है यहां से हम लॉगआउट करते हैं, आज के इस वीडियो को यहीं तक ब्रेक लगाते हैं, क्योंकि और वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अब जो है जैसे जैसे मैं यहां पे आगे बढ़ता चलूंगा, वैसे वैसे आप लोगों को जो है इसके लाइव वीडियोस दिखाता रहूंगा, ताकि जो है आपको पता चले कि किस तरह से ब्लॉग का पूरा शुरू से लेके एंड तक जो है वर्डप्रेस पे सेटअप करा जाता है। सो आज के इस वीडियो के लिए गाइस इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ।